हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद कृष्णा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे यूज ऑफ टाइम टू टाइम फोर, टाइम टू और टाइम फोर। तो टाइम टू और टाइम फोर का हिंदी में अर्थ होगा समय हो गया है, समय हो गया है। क्या होगा हिंदी में अर्थ? समय हो गया है। देखिए, सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, अब स्कूल जाने का समय हो गया है, अब स्कूल जाने का समय हो गया है, मुझे नाश्ता करने का समय हो गया है, मुझे नाश्ता करने का समय हो गया है, मुझे दिल्ली के लिए निकलने का समय हो गया, मुझे दिल्ली के लिए निकलने का समय हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब सोने का समय हो गया है, अब सोने का समय हो गया है। देखिए, इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर होगा इट इज प्लस टाइम, इट इज प्लस क्या टाइम, उसके बाद यदि रहेगा मुझे तो लिखेंगे फॉर मी, हमें तो अस, तुम है तो यू, और उनका उनकी चाहे उसके तो क्या लिखेंगे देम, और उसके बाद लिखना है उसे रहेगा तो हिम लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसे रहेगा तो हिम लिखेंगे, उसे रहेगा तो क्या लिखेंगे हिम, उसके बाद लिखेंगे टू प्लस वी वन प्लस अदर वर्ड। तो यही क्या होगा स्ट्रक्चर होगा, होगा इट इज प्लस टाइम फोर, उसके बाद मी लिखेंगे, हमें रहेगा तो मुझे रहेगा तो मी, हमें रहेगा तो अस, तुम्हें रहेगा तो यू, और उनका रहेगा तो देम, और उसे रहेगा तो हिम प्लस उसके बाद रहेगा टू, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो देखिए, अब स्कूल जाने का समय हो गया, इसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले क्या लिखना है इट लिखना है, उसके बाद इज, तो लिखेंगे इट इज क्या होगा इट इज, अब लिखना है देखिए टाइम, इट इज टाइम लिखेंगे टाइम, अब यहाँ पर नहीं है, देखिए मुझे नहीं है और हमें नहीं, कोई भी नहीं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, तो क्या लिखेंगे इट इज टाइम, अब लिखेंगे डायरेक्ट क्या लिखेंगे टू, इट इज टाइम टू, अब लिखेंगे वर्ब तो जाना, तो क्या होगा गो टू स्कूल, क्या होगा गो टू स्कूल, और अभी अब तो क्या होगा नाउ। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इट इज टाइम टू गो टू स्कूल नाउ, अब स्कूल जाने का समय हो गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मुझे नाश्ता करने का समय हो गया है, मुझे नाश्ता करने का समय हो गया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे इट इज क्या होगा इट इज टाइम फॉर मी, टाइम फॉर मी, उसके बाद क्या लिखना है टू, टू नाश्ता करना क्या होगा हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इट इज टाइम फॉर मी टू हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ पर हैव की जगह आप टेक भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इट इज टाइम फॉर हैव ब्रेकफास्ट, इट इज टाइम फॉर मी टू हैव ब्रेकफास्ट, ना मुझे नाश्ता करने का समय हो गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मुझे दिल्ली के लिए निकलने का समय हो गया है, मुझे दिल्ली के लिए निकलने का समय हो गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा लिखेंगे इट इज टाइम फॉर मी, इट इज टाइम फॉर मी टू लीव फॉर दिल्ली, लीव फॉर दिल्ली। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इट इज टाइम फॉर मी टू लीव फॉर दिल्ली, मुझे दिल्ली निकलने के लिए समय हो गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, अब सोने का समय हो गया है, अब सोने का समय हो गया है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे? लिखेंगे इट इज, इट इज टाइम टू, इट इज टाइम टू गो टू बेड, गो टू बेड। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा अब, तो अब का स्पेलिंग क्या होगा नाउ। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इट इज टाइम टू गो टू बेड नाउ, अब सोने का समय हो गया है। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और नेक्स्ट एग्जाम, तुम्हें घर जाने का समय हो गया है, तुम्हें घर जाने का समय हो गया है, इसका अंग्रेजी अनुवाद लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे इट इज, इट इज, उसके बाद क्या लिखना है इट इज टाइम, इट इज टाइम। अब देखिए यहाँ पर तुम्हें यानी ऑब्जेक्टिव केस में क्या है तुम्हें, तो क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यू, तो इट इज टाइम फॉर यू, इट इज टाइम फॉर यू, उसके बाद क्या लिखना है टू लिखना है टू, टू वर्ब क्या है जाने, तो क्या लिखेंगे गो, और कहाँ पे घर तो गो होम। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा इट इज टाइम फॉर यू टू गो होम,
तुम्हें घर जाने का समय हो गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, पढ़ने का समय हो गया है, पढ़ने का समय हो गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे इट इज़ टाइम टू स्टडी। इस प्रकार अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, इट इज़ टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय हो गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बस का आने का समय हो गया है, बस का आने का समय हो गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा, लिखेंगे इट इज़ टाइम फॉर द बस टू अराइव। इस प्रकार इसका अंग्रेजी अनुवाद हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर द बस टू अराइव, बस का आने का समय हो गया है। तो दोस्तों आप इस प्रकार बहुत सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों लगता है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।